समूचे देश में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इसी के मद्देनजर चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेता हरमोहन धवन के घर एकत्रित होकर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में हरमोहन धवन ने पार्टी का ध्वज लहराकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर यूपीए सरकार की कूटनीतियों को उजागर करने व भाजपा की विकास कार्यों का व्याख्यान करने का प्रण लिया। इस मौके पर हरमोहन धवन ने मौजूदा यूपीए सरकार को देश भर में महंगाई व बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार बताया। हरमोहन धवन ने आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारी मतों से जीत हासिल कर देश में एनडीए की सरकार बनने की बात कही। देखो, आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और चंडीगढ़ में हमने इस बार ये निर्णय लिया है कि हम बूथ स्तर पर समिति लेवल तक जितने जहाँ पर हमारे लगभग 422 बूथ हैं तो हर बूथ पे ये कार्यक्रम आज हो रहा है। इससे हम जो पार्टी की नीति हैं उसको हम जनता तक निचले स्तर तक ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस सरकार की जो भ्रष्ट नीतियाँ हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, वो इन सब चीज़ों को हम आम आदमी तक लेकर जाएंगे। और इसका आज प्रण लिया हमने कि जब तक हम कांग्रेस को यहाँ से चंडीगढ़ से फाड़ नहीं फेंके तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। वहीं पंचकुला सेक्टर 2 स्थित भाजपा कार्यालय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा महिला विंग की प्रधान बंतो कटारिया ने की। बंतो कटारिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आगामी चुनावों में भाजपा की सरकार बनने की बात कही। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में काम करती थी, उसके बाद 1977 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में था। तो 6 अप्रैल जब 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हरियाणा प्रदेश की पहली अध्यक्ष कमला वर्मा जी रही, जो यमुनानगर से 3 बार मंत्री रही और महिला बहुस की नेता रही। पूरे हरियाणा प्रदेश के 1200 मंडल हैं, उनमें प्रदेश के अलग अलग नेता मंडलों में जाकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए भी एक संकल्प दिवस के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी का यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे भारत वर्ष में शनिवार को भाजपा स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष में भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों ने पार्टी का झंडा लहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।